हम पढ़ेंगे टक्स पेंट, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5। टक्स पेंट क्या होता है? टक्स पेंट एक प्रोग्राम है जिसका हम यूज करते हैं पिक्चर्स को क्रिएट करने में। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हम टक्स पेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में टक्स पेंट इंस्टॉल है तो आप डेस्कटॉप पर सा एक आइकन होगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका टक्स पेंट ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप स्टार्ट बटन में जाएंगे और वहां से आपको क्या करना है, टक्स पेंट को सिलेक्ट करना है। ये आपका टक्स पेंट, यहाँ से आप टक्स पेंट को क्लिक करेंगे तो आपका जो टक्स पेंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने टक्स पेंट को स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका टक्स पेंट स्टार्ट हो जाएगा, देखिए आपका टक्स पेंट स्टार्ट हो गया है। टक्स पेंट जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आपके पास में कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर आपका टक्स पेंट बना है। सबसे पहले है आपका ड्रॉइंग कैनवास, आफ्टर दैट कलर्स बार, टूल बार, सिलेक्टर एंड हेल्प एरिया। थोड़ा सा टेक्स्ट पेंट को आपके ओपन होने में टाइम लगता है, तो उसके बाद जो आपकी स्क्रीन आएगी वो क्या होगी, आपकी टेक्स्ट पेंट। यह आपका क्या है, टक्स पेंट। जहां पर आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट कलर का एरिया है, ये क्या है, आपका ड्राइंग कैनवास, जहां पर हम अपने पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है आपका कलर्स बार। नेक्स्ट क्या है आपका, कलर्स बार। यहाँ पर जो आपको ये मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज करके अपने ड्राइंग में कर सकते हैं, दैट इज योर कलर्स बार। उसके बाद है आपका टूल बार। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है टूल्स। टूल बार में हम क्या करेंगे, इट कंटेन्स डिफरेंट टूल्स टू वर्क ऑन द टक्स पेंट। यहाँ से जैसे आपके पेंट है, स्टैम्प है, लाइन्स है, ये सभी क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। इन टूल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने टक्स पेंट पर वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट इज सिलेक्टर। इट शोज डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड टूल। सिलेक्टर क्या करता है, जैसे अगर आपने ब्रश पेंट चूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दिखा देगा। अगर आपने स्टैम्प यूज की है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट थिंग्स दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन से स्टैम्प्स अवेलेबल है। लाइन्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो लाइन्स कौन कौन सी आपके पास में अवेलेबल है। शेप्स पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी शेप्स आ जाएंगी। तो सिलेक्टर जो है वो आपके टूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज योर हेल्प एरिया। हेल्प एरिया क्या करता है, द पेंगुइन टेल्स द प्रॉपर वे टू यूज द सिलेक्टेड टूल्स। जो आपका हेल्प एरिया है ये वो ये है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर शेप्स को क्लिक किया, पिक अ शेप, क्लिक द पिक द सेंटर, ड्रैग एंड देन लेट इट, यानी कि ये जो हेल्प एरिया वो आपको बताएगा, यहाँ पर जो ये पेंगुइन है ये आपको बताएगा कि आप कोई भी जो टूल्स ले रहे हो उसको कैसे आप यूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो आपके सिलेक्टर्स हैं उनका यूज कैसे कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक न्यू ड्राइंग क्रिएट करेंगे। तो न्यू ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल्स में जो आपका न्यू बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउन एरो दिखाई देगा, ठीक है। न्यू बटन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेडीमेड फाइल्स हैं, इन फाइल्स को आपको सिलेक्ट करना है और ये जो डाउन एरो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे जी क्लिक करेंगे तो आपको और ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ड्राॅइंग्स भी है, पैटर्न्स भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स हैं हमारे पास। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सिलेक्ट किया एलिफेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसको ओपन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने यस किया तो जो हमारी पिक्चर थी वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अगर हम यहाँ पर स्टैम्प्स को ऐड करना चाहते हैं। स्टैम्प क्या होता है आपका, स्टैम्प शो स्मॉल रेडीमेड पिक्चर्स। जो स्टैम्प्स है जैसे यहाँ पर टूल्स में आपको दिखाई दे रहा है स्टैम्प, ठीक है। स्टैम्प पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है, हमारी कुछ रेडीमेड पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं लाइक स्टिकर्स, स्टैम्प्स क्या होती हैं आपकी स्टिकर्स की तरह होती है। जैसे ये है आपका, तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो आपका जो पेंगुइन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर आप देखना चाहते हैं और भी आपके पास स्टिकर्स हैं, तो आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के स्टिकर्स इस तरह से कर सकते हो, आप अपने स्टिकर्स को ऐड कर सकते हो इस तरह से, जैसे स्पैरो है तो आप इसको यहाँ पर मार्क कर सकते हो। तो विद साउंड आपके जो स्टिकर्स है वो क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। इस एरो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, स्पेक्स का है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो हमारा स्पेक्स भी ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैक भी जा सकते हैं। अगर आप आगे फॉरवर्ड होना जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी स्टिकर को चूज कर सकते हैं। जैसे बर्थडे का स्टिकर है, इस बर्थडे वाले स्टिकर को भी चूज कर सकते हो। तो इस तरह से स्टिकर्स का क्या यूज है, स्मॉल पिक्चर्स है, रेडीमेड पिक्चर्स हैं, जो कि आप क्या कर सकते हो, अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हो।